से मैं एक वॉच टावर दिखा, सोचा आपको जाके नज़ारे दिखा दिया जाए। तो मैं आ गया हूँ एक वॉच टावर के ऊपर, और ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये रायपुर से आता है और ये जाता है जगदलपुर के साइड, यहाँ से जंगल का इलाका चालू होता है। एक वॉच टावर है, आप चाहे तो यहाँ आके रुक सकते हैं, नज़ारे का मज़ा ले सकते हैं। और ये एक गंदा रास्ता है जो कि रायपुर से लेफ्ट टर्न लेने पे आपको मिलेगा ओना-कोना की ओर बढ़ने पे, और मुझे नहीं लगता कि किसी भी गाड़ी को इस रास्ते पे जाने पे कोई भी परेशानी होगी। चाहे आपके पास कोई भी कार हो, आप इस रास्ते से बिल्कुल आराम से जा सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़े दूर आने के बाद आपको दिखेगा ये ओना-कोना का बोर्ड, यहाँ से आपको स्लाइड राइट करना है और यहाँ से 2 किलोमीटर पे होना है। तो दोस्तों मैं पहुंच गया ओना-कोना, और मैंने सोचा कि मंदिर से पहले आप लोग को यहाँ के कुछ व्यूज़ दिखा दूँ, सीन दिखा दूँ। पहले कोई सीन देख लेते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ मैं मंदिर। ये कुछ नज़ारे ओना-कोना के। ओना-कोना बेसिकली एक गांव है, गांव के अंदर एक मंदिर है जो कि दिखता पुराना है, बाकी वो है इतना नया कि अभी तक वो बना नहीं है। और यहाँ के नज़ारे देखने लायक हैं। ये नदी के किनारे बसा हुआ एक गांव है, आप यहाँ पे बोटिंग का भी मज़ा ले सकते हैं। वो रहा मंदिर, मैं आपको थोड़ी देर में लेके चलता हूँ। और ये यहाँ के नज़ारे,
तो मैंने सोचा एक छोटे से पहाड़ पे चढ़ के आपको थोड़ा ऊपर का नज़ारा दिखा दिया जाए, पर यहाँ पे पेड़ इतने हैं कि जो सीन है उसको पूरा कवर कर ले रहे हैं। बाकी आप यहाँ पे आके छाँव में खाना वाना भी खा सकते हैं। बहुत सुंदर नज़ारे। तो पहाड़ की चढ़ान बहुत खड़ी है और नज़ारे काफ़ी अच्छे हैं। वो रहा ओनाकोना मंदिर।